हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर इजी वास्तु पर, जहाँ पर मैं टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग बातचीत आपसे करती रहती हूँ। हाउ कैन आई फॉरगेट वास्तु शास्त्र, जो कि मेरे ब्रांड नेम है इजी वास्तु। ठीक है, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मेरी थोड़ी सी आवाज़ आप लोग को अलग लग सकती है, थोड़ा सा नाक बंद है, थोड़ा सा गला ख़राब है, तो इस वजह से ऑलमोस्ट मैं वीडियो नहीं करने वाली थी, बट आप सब लोग के प्यार भरे मैसेजेस एंड अपडेट्स के रिगार्डिंग मैंने सोचा नहीं, आई शुड डू इट। पता, ऑलमोस्ट 3 टाइम शूट करते करते मैंने फिर से बंद किया है। ऑलमोस्ट गला दुख रहा है, खांसी आ जाती है, ज़्यादा बोलने नहीं हो रहा है, तो 3-4 बार मैंने कट किया है। फिर से हिम्मत बनाई है, नहीं इसलिए लेट हो गया शूट करते करते भी। थर्सडे से कोशिश कर रही हूँ शूट कर लूँ, बट बार बार अटक जाता है। मतलब तो अब तो करेंगे करेंगे, अब लेट हो जाए ठीक है, बट कर लेते हैं नो। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, प्यार देना, बड़े आपकी ही मोहब्बत से मैं करती रहती हूँ। एंड आई होप मेरी रीडिंग्स भी आपके दिल को छूती है। सो अभी हम वन बाय वन जान लेंगे हर राशि के बारे में। यू नो, फेब्रुअरी मंथ का पहला हफ्ता है, कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। वन बाय वन आपकी राशि की रीडिंग क्या कहती है जान लेते हैं हम। हाय पाइसेस, कैसे हैं आप लोग? जुगनी को देखे पीछे आके बैठ गए। जुगनी जुगनी से हाय। सो पाइसेस, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए? पाइसेस, पहली चीज़ तो मैं आप लोग को बता दूँ, आपके जो यू नो हेल्थ वाइज पॉजिटिविटी दिख रही है, हेल्थ वाइज अच्छी एनर्जीज दिख रही है, और जो बेस्ट ट्रांजिट फिलहाल में आप लोग के लिए चल रहा है, वो आपके करियर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाने वाला है। बुधदेव 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके, जो अच्छा माना जाएगा। गुड लक है, कम्युनिकेशन का मामला हो, करियर ग्रोथ हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, अच्छा देखा जाएगा, अच्छा काम आप करोगे, अच्छी एनर्जीज आप लोग की रहेंगी, लाभ आप लोग को मिलेगा। लेकिन रिकग्निशन के पीछे मत भागना, रिकग्निशन का एंगल थोड़ा सा कमज़ोर है इस हफ्ते। सूर्यदेव मकर में ट्रांजिट कर रहे हैं, लाभ आपको बहुत मिलेगा, पैसे आपको मिल जाएंगे, जॉब आपको मिल जाएगी, बट हाँ एकदम आप बोलोगे कि मुझे प्रमोशन रिकग्निशन, उसके स्ट्रेंथ थोड़ी कमज़ोर है, वो आपको थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखना होगा, अभी ये देखा जा रहा है। हेल्थ वाइज इट्स गुड, आपके एजुकेशन सेक्टर में भी ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही है, अच्छी एनर्जी से एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा बेस्ट आप लोग के लिए माना जाएगा। लव रोमांस के मामले में शुक्रदेव 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, चंद्रदेव जो हैं यहाँ पर, ऐसा होगा कि हफ्ते के स्टार्टिंग के 2-3 दिन तनाव रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें बेहतर और अच्छी होंगी। तब तक हफ्ते के 3-4 दिन स्ट्रेस दिख रहा है। ये ना टैरो कार्ड्स में भी देखूंगे, अभी लव एंगल क्या दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, देन थोड़ा और कंक्लूड कर पाएंगे। बट लव रोमांस अभी न्यूट्रल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि शुक्रदेव आप लोग के 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं शनिदेव के साथ में। वहीं साथ ही साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, ईगो क्लैशेस। लव रोमांस में ईगो क्लैशेस की वजह से भैया एक पार्टनर ईगो को पकड़ के बैठा हुआ है, सुनने कोई राजी नहीं है, स्टबन या ज़िद्दी हो सकते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको देना होगा जो रिकमेंडेड है। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, आप और आपके पार्टनर मिलके कोई बिजनेस स्टार्टअप भी सोच सकते हो, या आपके पार्टनर अगर कोई बिजनेस या जॉब में है तो उसमें भी उनको ग्रोथ देखने मिलेगी, अच्छी एनर्जीज देखी जाएंगी। आपके जो भाग्य के स्वामी मंगल देव अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, साहस, पराक्रम, मेहनत, विल पावर, एडवेंचरस एनर्जी अच्छी रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगी कुछ नया करने को, अपने जो भी आपके काम होंगे, ड्यूटीज़ होंगे, बढ़िया से आप निभाओगे, अच्छा माना जाएगा। वहीं उसी के साथ साथ मैंने जैसे पहले ही कह दिया कि करियर एंगल से पॉजिटिविटी दिख रही, कोई टीचिंग लाइन में हो, कम्युनिकेशन लाइन में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, आईटी सेक्टर में, जो भी आपकी लाइन हो, इन सभी क्षेत्र में आप लोग के लिए पॉजिटिविटी बनी हुई दिख रही है। आगे अब हम टैरो कार्ड्स में भी देख लेते क्या मैसेजेस हैं। पाइसेस, सबसे पहला कार्ड आया है तो 3 ऑफ कप्स के कार्ड है। इसे मैंने कहा ना, एक वो यंग वाइटैलिटी एनर्जी रहेगी आप लोग के मन में, दोस्तों से भी मिलना जुलना हो सकता है,
पॉजिटिविटी रहेगी, हैप्पी टाइम्स रहेंगे आपके दोस्तों के साथ में, अपनों के साथ में, जश्न, हैप्पीनेस, जॉय, गेट टुगेदर, पार्टीज, या इन जनरली एक मूड अच्छा रहेगा, सिंपली मूड अच्छा रहेगा। और लव रोमांस की जो मुझे थोड़ी चिंता सताती थी कि थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा, अच्छा रहेगा, टैरो कार्ड्स उसमें पॉजिटिविटी मैसेज लेकर आए हैं कि भैया लव रोमांस में रिकन्सिलेशन हफ्ते के मिड के बाद में होगा, लेकिन ज़रूर लव रोमांस बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, रिकनेक्शन आप लोग का बनता हो दिख रहा है। जो प्रॉब्लम की वजह से बार बार डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप में आ रही है, वो प्रॉब्लम अभी भी रहेगी, लेकिन फिर भी दोनों को ये रियलाइज़ होगा कि शायद हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए। ये प्रभाव भी आप लोग के जीवन में रहेगा इस हफ्ते में, लेकिन स्टिल एक कहते हैं ना कि वापस से कनेक्शन, और ये कोई दोस्त अगर आप लोग के बीच में है, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव है, उनके थ्रू से भी हो सकता है, किसी की सपोर्ट गाइडेंस ले सकते हो, लव रिलेशनशिप में अच्छा माना जाएगा। अच्छा, वीक की शुरुआत में या वीक के एकदम लास्ट डे पे, ठीक है, थोड़े से आपके मूड स्विंग्स रहेंगे, आपको लगेगा यार मन ऐसे ही अपसेट हो रहा है, बोर हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये ना ये ऐसी एनर्जी रहेंगी पाइसे कि चल सब कुछ सही रहा है, बट आपका मूड ऐसे ही अपसेट हो रहा है, ऐसे ही मन नहीं कर रहा, तो इस टाइम पे ना क्या करना, थोड़ा ग्रीनरी में जाना, नेचर में जाना, अपने आप को थोड़ा टाइम सपोर्ट देना, जो आपकी रूटीन, सोच, विचार, डेली के ड्रामे लाइफ के ना, इससे हटकर थोड़ा अपने साथ वक्त बिताना, अपने आप को पैम्पर करना, खुश करने की कोशिश करना, बिकॉज ये आई थिंक आपके स्वभाव का सिर्फ एक मूडीनेस का फेज़ होगा, जहाँ पे अननेसेसरी आप लो, डल, मूडी फील कर सकते हो, बट टाइम रहते वो भी ठीक हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस हाँ थोड़े मूडीनेस के कार्ड्स हैं। बट उसके अलावा हैप्पीनेस, जॉय, गुड एनर्जीज देखी जा रही है इस हफ्ते में मेजॉरिटी, मतलब पूरे 7 दिन में मैं कहूँगी 4-5 दिन आपके फेवर में ही रहेंगे, 2-3 दिन जो मैंने बीच में कहे हैं वो आप लोग के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग से हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बस आपका ही मन थोड़ा सा अपसेट होता हुआ दिख रहा है। सो ये ऑल ओवर एनर्जी स्पाइसेस आप लोग के लिए देखी जा रही है फॉर दिस वीक, बट ऑल ओवर बुध बहुत अच्छे बैठे हुए ट्रांजिट कर रहे हैं, काम को बहुत ध्यान देना, ठीक है, खुशी से काम करना, अच्छी एनर्जीज रखना, एफर्मेशन सुनना, पॉजिटिव रहना, बिकॉज बुध देव जब भी 10th हाउस में आते हैं वो एक यू नो एक क्विक एंड विटी एनर्जी लेके आते हैं, लाइक मुझे कुछ आइडिया या मुझे ये करना चाहिए, मुझे अपना सब कुछ मैनेज कर लो, क्योंकि कहते हैं जब इंसान स्ट्रेस में नहीं है, खुश है, तो वो सारे काम भी कर लेगा, सबको खुश भी रख लेगा, सारी ड्यूटीज़ भी निभा लेगा, एंड हैप्पी एंड पॉजिटिव रहेगा। तो वो वाइब्रेशंस आपको इस हफ्ते ज़रूर महसूस होंगी, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा, काम ड्यूटीज़ निभाइएगा और चेहरे पर मुस्कुराहट रखिएगा, जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी परेशानी हो, बुध देव यू नो यहाँ पर आपको ज़रूर वो एनर्जीज इंडिकेट करेंगे कि आपके मुस्कुराने से, अच्छे बात करने से आपके जो यू नो 10% की प्रॉब्लम थी वो 5% पे आ जाएगी, और पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव सोचना ज़रूर रखना, बिकॉज बुध देव बोलने के कारक हैं और अच्छी बुद्धि के कारक हैं, तो यहाँ पर उनको और अच्छा पावर लाने के लिए ये ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच।